हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। और वीडियो के आखिरी में बताएंगे आपका घर में कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सर्किट क्या होता है। देखिए, कोई भी सर्किट पूरा करने के लिए दो कनेक्शन जरूरत है, एक है न्यूट्रल, एक है फेज। डीसी करंट में एक को पॉजिटिव बोलता है, दूसरे को नेगेटिव बोलता है। इमेज की मदद से हम समझते हैं, एक बल्ब है, एक स्विच की मदद से इसको कनेक्शन जोड़ दिया तो इसको जलाने के लिए एक साइड से करंट फ्लो होकर बल्ब को जलाता है, फिर दूसरे साइड से फ्लो होकर इसको सर्किट को पूरा करता है, इसी को बोलते हैं सर्किट। अभी समझते हैं सीरीज कनेक्शन। चलिए इस एग्जांपल में दिखा रहा है कि सीरीज कनेक्शन कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसा हालांकि दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए R1, R2, R3 कंपोनेंट लगा हुआ है किसी सर्किट में, तो इसमें एक मान लीजिए इस एरो एंगल से पता चल रहा है कि जब R1 में वोल्टेज या करंट फ्लो होगा तब ये पास होकर R2 की तरफ जाएगा, फिर ये पास होकर R3 की तरफ जाएगा, फिर R3 पास होकर ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो इसी को कहता है कि ये सीरीज कनेक्शन, दोनों तरफ एक ही तार की मदद से आपस में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि बीच में अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है या वायरिंग ही खराब हो जाता है। चलिए अभी पैरेलल कनेक्शन क्या है इसको समझते हैं। पैरेलल कनेक्शन इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि R1, R2, R3 तीनों कंपोनेंट है, या मान लीजिए तीनों बल्ब है। इसको क्या है, हर कंपोनेंट का दोनों अलग अलग पॉइंट होता है। जैसा कंपोनेंट का एक साइड पॉइंट को जोड़ के एक कनेक्शन में डाल दिया गया और दूसरी तरह कनेक्शन एक साइड जोड़ के दूसरी टर्मिनल में जोड़ दिया गया, तो इसको कहता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में फर्क ये है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइडेड हो जाता है और एम्पियर बराबर रहता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम में रहता है और एम्पियर डिवाइडेड हो जाता है। अभी इस उदाहरण को और एक बल्ब की मदद से अच्छी तरह समझते हैं। चलिए मान लीजिए सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब जल रहा है, इसके अंदर कोई एक बल्ब खराब हो गया तो क्या होगा, बाकी बल्ब नहीं जलेगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, मान लीजिए इसके अंदर कोई एक बल्ब खराब हो गया मगर बाकी बल्ब जलते रहेगा, तो यही फायदा है। ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन को रिकमेंडेंट ज़्यादा करता है। अभी चलिए बताते हैं हर घर में हमारा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग जुड़ा होता है। सीरीज कनेक्शन में यह होता है, अगर कोई बीच में एक कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो उसके बाद सारे कंपोनेंट खराब निकलेंगे या PCB खराब हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन को ही रिकमेंडेंट करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। आखिरी में थैंक यू फॉर वॉचिंग।